आज हम बात करेंगे ओटी केरन का फॉल्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो हम मेन मेन फॉल्ट को ले लेते हैं। देखिए 10 फॉल्ट बताएंगे। ठीक है, पहला है मोटर एक साइड चलता है, दूसरा साइड नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए हमारे मास्टर कंट्रोल का एक किट ख़राब हो जाने के कारण एक साइड चलेगा। ठीक है, और ये हमारा एनसी पॉइंट काम ना करने के कारण एक साइड चलेगा। ठीक है, ये देखिए एनसी कंडक्टर में लगा है, हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्टर है। और दूसरा है हमारा मेन कंडक्टर रिवर्स फॉरवर्ड का लग तो रहा है, मगर दोनों साइड लग रहा है मगर चल नहीं रहे मोटर। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है? ये रिवर्स फॉरवर्ड का कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा 6 स्लिपरिंग कार्बन ब्रश ख़त्म हो जाने के कारण भी हमारा मोटर नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा है मोटर का स्पीड कम हो गया है, तो क्या होता है, ये तीनों कंडक्टर लगा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर नहीं लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। अब ये कार्बन ब्रश का एक ब्रश अगर ख़राब हो गया एक पॉइंट, तो उसमें मोटर कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा है हमारा ऑन करते ही हमारा एमसीसीबी ट्रिप कर जाता है। ये देखिए इससे क्या होता है, यही हमारा कंडक्टर चिपक गया है। ठीक है, और दूसरा लगने के कारण ये हमारा ये एमसीसीबी ट्रिप कर जाता है। ठीक है, और पांचवा है रिले ट्रिप कर जाता है। रिले किस कारण ट्रिप करता है? ये हमारा रिले है ट्रिप कर जाता है। तो ये होता है हमारा ब्रेक ड्रम होता है, ये देखिए ब्रेक, ये हमारा थायरेस्टर काम ना करने का खुल नहीं पाता है, इस कारण से ये हमारा ओवरलोड के कारण ये हमारा रिले ट्रिप कर जाता है। ठीक है, और हमारा छठवा है क्रेन का कंट्रोल वायरिंग काम करना बंद हो जाता है टोटल। ठीक है, तो क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा 415 वोल्टेज इसमें इन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, और 110 वोल्टेज इसमें आउट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, जो पैनल को कंट्रोल करता है। अगर इसका सप्लाई या ख़राब हो जाएगा तो ये हमारा कोई भी सिस्टम हमारा कंट्रोलिंग का काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें पूरा 110 वोल्टेज का कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है। अब हमारा हमारा सातवां है रेजिस्टेंस कंडक्टर काम नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस का कंडक्टर 3 है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा ये एनो पॉइंट रिवर्स फॉरवर्ड का एनो पॉइंट काम न करने के कारण या ख़राब हो जाने के कारण ये हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, और आठवां हमारा मोटर से स्टार्टिंग में आवाज़ आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे हमारा 1 नंबर और 3 नंबर साथ में लग जाता है, तो इससे क्या होता है, रनिंग ओवर हो जाने के कारण ये हमारे मोटर से स्टार्टिंग में आवाज़ आने लगता है। ठीक है, और हमारा नौवां है, नौवां हमारा रिवर्स एंड फॉरवर्ड का कंडक्टर एक साथ लग जाता है। तो क्या होता है, ये किट कभी कभी ख़राब हो जाने के कारण दोनों एक साथ लग जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारा कंडक्टर और एनओएनसी, ये देखिए एनसी काम ना करने के कारण हमारा ये कंडक्टर एक साथ लग जाता है। ठीक है, ये देखिए एनसी इस प्रकार है। और दसवां है हमारा चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, तो क्या होता है, कभी कभी हमारा
केबल अगर चलते चलते कहीं बॉडी हो जाता है तो ये हमारा ऐसे भी ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, या यहाँ से हमारे पावर कलेक्टर से ये तार कट जाता है, इस कारण से हमारा अचानक बंद हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और हाँ हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।